तो गाइस स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर रोहन इंदौरी व्लॉगर पर। और 10:30 बजे होती है हमारी सुबह, और उठते हैं हम, बैटरी लगा लेते हैं चार्जिंग पे, क्योंकि बैटरी जो है गाड़ी में थोड़ी कम है, चार्जिंग नहीं होती। हो रहा है शायद, पानी गिर सकता है। तो गाइस फाइनली जो बैटरी चार्जिंग को लगा दी हमने, आ गया है बाहर, घूम रहा है, सेल्फी ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे कोई तुम्हारी भी ए, रात भर तो तुम रोए थे, फिर झूले में सोए थे, टीका लगा था, दुखना बंद हो गया ऐसे। हम चेक कर लेते हैं हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, तो इंस्टाग्राम हम ओपन कर लेते हैं, और इंस्टाग्राम पे हुआ है हमारे 23,100 फॉलोवर। और इसी के साथ यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है वो भी हम चेक कर लेते हैं, तो यूट्यूब के सब्सक्राइबर हुआ है हमारे 3,701। तो गाइस ये हमारी वाइफ है जो पापा का टिफिन और रोटी बना रही है, और सब्जी में इनने जो बनाई है काकरे की सब्जी बनाई है, काई की सब्जी है खरीदी, काकरे वाकरे की पता नहीं काई की, देख रहे हो उसकी सब्जी बन रही है, वो तो मेरी उंगली खा रही। और ये हमारी वाइफ है जो पापा का टिफिन बन रहा है इधर, और इधर हम आए तो हमारा बेतू है हमारी गोद में, आप देख सकते हैं। पापा के साथ ऐसे घूमते तुम, मस्ती करते ऐसे, किसको पहचानते तुम, पापा को पहचानते क्या, पापा को पहचानते हो ये बेतू ऐसे। हमारे बेतू को ऐसे सवारी करानी पड़ती है, ढिचक ढिचक घोड़े की सवारी करो बेतू। तो गाइस माय बेबी हेयर स्टाइल, पीछे से बाल आगे से तकला, तक बेतू मेरा, तक। तो गाइस नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, क्योंकि हमें देवासना का जाना है कुछ काम से, क्या काम से अभी आपको पता चलेगा व्लॉग में आगे। और हमारी वाइफ भी रेडी हो गई है, ये भी पहले बोल रही थी हमारे साथ जाने का, लेकिन अब ये इसके घर जा रही है, घर इसके घर। तो गाइस सबसे पहले हम जो है बैटरी चार्ज पर लगाई थी, जो निकाल लेते हैं और कितने परसेंट चार्ज हुई देख लेते हैं। तो गाइस ये 50% चार्ज हुई, लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा जो है, क्योंकि 11 किलोमीटर जो है हमें जाना है। बैटरी को लगा देते हम गाड़ी के अंदर, हम निकल जाते पापा का टिफिन देने के लिए, थैली नहीं मिल रही टिफिन की आज, तो ऐसे ही ले जाते टिफिन को जो है। ये है ना हमेशा लेट कराती है, अब देख लो बिल्कुल 12:15 बजा दी इसने घड़ी में, अभी भी इसके बाल ही हट रहे हैं। तो गाइस एवरीथिंग इज टेम्प्रेरी, बट पापा का टिफिन देना इज परमानेंट, डेली उठो सैटरडे हो या संडे टिफिन रोज दो। पापा तो पानी भरा रहे हैं, टिफिन रख दिया हमने यहाँ पे, यहाँ रख दिया, पन्नी नहीं मिली थैली तो बहुत लापरवाह होता है। देख लीजिए जो बल्ली है कितनी बाहर निकली हुई है गाड़ी से, किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है इस बल्ली के द्वारा, बाकी लोग जो है समझते नहीं है, बात ही है ले जा रहे हैं बिल्कुल। तो गाइस पापा का टिफिन जो है देने के बाद हम आते हैं, तो देखते हैं हमारा बेतू जो है तैयार है चलने के लिए, और हमारी वाइफ भी जो तैयार हैं, तब हम निकल रहे हैं बस देवासना का, हमारे सर के वहाँ। चलो निकले हैं। लाली भाई।
तो भाई हम जा रहे हैं और हमारा वेत्र तो गाड़ी पे बैठते से ही सो जाता है। इतना तो मैं गलते कोई सोएगी नहीं तो उसको गाड़ी पे घुमा लेंगे, इसलिए तो कह रहा था कि ये गाड़ी पे सोते से ही नींद आ जाती इसको। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं रोबोट चौराहे पर, और संडे का दिन है तो सिग्नल पार करने मानने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। शहर में जो है मेट्रो का कार्य जो है प्रगति पर है, आप देख सकते हैं कुछ ही दिनों बाद मतलब कुछ सालों बाद मेट्रो जो है चल हो जाएगी। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी रेडिसन चौराहे पर आ गए और संडे का दिन है, जैसा कि आपको बताया हमने तो संडे के दिन जो है सिग्नलों का थोड़ा सा कम पालन किया जाता है, तो जो है हम पार कर लेते हैं रेड सिग्नल को भी। अभी हम पहुंच गए हैं बॉम्बे हॉस्पिटल वाले चौराहे पर और यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे क्योंकि हमें देवास नाका जाना है हमारे सर के। गाइस फाइनली अभी हम सत्यसाई चौराहे पर पहुंच गए हैं आप देख सकते हैं, और यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे हम। ऑफिस वाली बिल्डिंग है यहाँ पर जो है हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से जाएंगे सीधे। गाइस हम चरण के मम्मी पापा का वेट कर रहे थे यहाँ पर, चरण जो है उसके मम्मी पापा को स्टेशन से पिकअप करके लेके आया था, तो उसके पापा को हमने बिठा लिया हमारी गाड़ी पर और चरण उसकी मम्मी के साथ है और हम जा रहे हैं। चरण का घर भी उधर ही है उसके भैया का, तो उसके मम्मी पापा का जो है उनके भैया के वहाँ ड्रॉप करना है। संडे के हिसाब से जो है ट्रैफिक कम है रोड पर, देवास नाका पर पहुँच कर एहसास होता है कि जितना ट्रैफिक इंदौर शहर में नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा तो इधर आउटसाइड पर हो रहा है, देवास नाका पर हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप। गाइस फाइनली हम पहुँच गए, आना था हमें हमारी मंजिल पे सैटेलाइट जंक्शन। गाइस हमारे सर जो है फ्लैट जो है शिफ्ट कर रहे हैं, तो वही थोड़ा सा हेल्प करने के लिए हम आए हैं, तो हमें जाना है ए ब्लॉक में सेकेंड फ्लोर। तो गाइस फाइनली सेकेंड ब्लॉक पर जो है हम आ गए। अगेन अरे तो भाई यहाँ भी मैच का डिस्कशन हो रहा है और काम पर भी मैच का ही डिस्कशन होता है और हम बहुत लेट हो गए, जो सामान है ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। गाइस लेट हो गए हम, सर ने ऑलरेडी खुद ही जो है सामान सारा शिफ्ट कर लिया है, जो हमारे ऑफिस के दूसरे कलीग्स थे वो आ गए उनने करवा दिया। गाइस हमारे ऑफिस का कर्मठ कार्यकर्ता विशाल, ऑफिस में भी है यार ऐसे क्यों बोल रहा। नीचे आगे लग जाएगा। अब काम करते करते भूख लग गई तो सन्ने नाश्ता मंगवा लिया मस्त, तो समोसे कचौरी स्प्राइट चटनी सेव नुक्ती और मस्त यहाँ पर जो है एंजॉय हो रहा है आप देख सकते हैं। तो गाइस नाश्ता वास्ता करने के बाद अगेन शुरू हो जाते हैं हम छोटा मोटा जो है किचन का सामान इधर से उधर करने के लिए। तो गाइस इस तरीके से हम जो है किचन का सामान खाली करवा दिया अपने सर का, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि हम लेट हो गए थे, बड़ा सामान तो हम नहीं करवा पाए इसलिए छोटा सामान जो है हमने फाइनली जो सर का सामान है वो शिफ्ट हो चुका है और अभी फैला हुआ है, ये सर के द्वारा जमा लिया जाएगा किचन विचन सब आप देख सकते हैं। और हमारी वाइफ को उसके घर छोड़ के आए थे, वहाँ पर वो रोटी सब्जी खा रही है आप देख पा रहे होंगे, और उसका ब्लॉग में आना ज़रूरी होता है इसलिए वो क्लिप बना के भेजा करती है उसके घर से। और अचानक उधर खजाना क्षेत्र में पानी गिर रहा है, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर पानी तो नहीं गिर रहा है। सामान वगैरह शिफ्ट करा के अब निकल जाते हैं हम, चरण तो इधर ही इसके भैया के वहाँ रुक जाएगा मांगलिया में, पर हमें निकलना इंदौर और पानी आने का जैसा मौसम हो रहा है तो जल्द से जल्द निकल। अभी हम जो है मांगलिया साइड पर हैं और इस एरिए का जो नाम है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, सिंगापुर टाउनशिप गोल चौराया इस जगह का नाम है। यहाँ पर बहुत सारे प्लाट वगैरह अवेलेबल है, अगर आपको भी देख रहे हो इन्वेस्टमेंट के साथ इधर जो है आप परचेस कर सकते हो, बहुत सारे जो है प्लॉट और घर इधर अवेलेबल है। और हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया है, तो अब हम निकल रहे हैं हमारे घर के लिए, तो ऐसे भी हम घर पहुँचना चाहेंगे क्योंकि बारिश एरिए में जो है आने के लिए जो रेलवे लाइन है वो क्रॉस करके आना पड़ता है, आपको दिख रही होगी रेलवे ट्रैक, ये सामने जो है रेलवे ट्रैक है आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्रॉस करके आना पड़ता है। बारिश के दिनों में जो है यहाँ पर पानी भी भरा जाता है जो बहुत दिक्कत होती है। गाइस ये देख सकते हैं आप ये पुल के नीचे, और गाइस जो उधर तो पानी नहीं गिर रहा था लेकिन इधर जो है भयंकर वाला पानी गिर रहा है आप देख पा रहे होंगे,
तो अब लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम पानी गिरते में हमको घर तो जाना ही पड़ेगा, तो हम तो निकलते हैं। गाइस अभी जो है हम देवास नाका पहुँच चुके हैं, पीछे देख सकते हो बारिश के दिन में जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, कपड़े जो गाड़ियाँ चलती है वो पीछे से जो है टायर से पानी उड़ाती है और पूरे कपड़े पे मिट्टी मिट्टी उड़ा देती है गाइस, बहुत दिक्कत हो जाती है, गड्ढे वगैरह होते हैं गाइस आप देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक वाला माहौल हो जाता है बारिश के दिनों में। गाड़ी सारी थी तो हमने सोचा हमारे घर वालों के लिए हम जो है समोसा कचौरी के लिए पैक कराने, तो बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने से यहाँ से हम सुबह से समोसा कचौरी खाते हैं, पैक कराने के बाद निकल जाते हैं हम हमारे घर के लिए और पानी गिर रहा है। तो गाइस मालवीय नगर मंडी में भी आप जो है पानी का प्रकोप देख सकते हो, जिस कारण जो है धंधा थोड़ा सा चौपट हो जाता है, लोग उन भी परचेस करने नहीं आते और दुकानदारों को भी बहुत दिक्कत होती है बारिश में, तो बारिश का थोड़ा सा ये नुकसान हो जाता है जो रोज़मर्रा जो जिनका रोज़मर्रा का मतलब होता है मार्केट में धंधा पानी, उनको लिए बाजू ये छोटी मोटी बारिश बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हर जगह पानी पानी भरा गया, आप देख पा रहे होंगे गड्ढे गड्ढे पानी पानी, तो बारिश में जो रोडों की हालत है वो भी और खस्ता हो जाती है और जो सड़क बनाता है उसे थोड़ी अच्छी सड़क बनानी चाहिए, हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, आप देख पा रहे होंगे रोड पर कितना ज़्यादा जो है जल जमाव हो गया है, तो हम यही बेटर होगा कि इससे अच्छा तो हम जो है उधर वाला रास्ता चूज कर लेते हैं हमारे बाइक में जाने के लिए, जिस पर जल जमाव थोड़ा सा कम हो, आप देख पा रहे होंगे थोड़ा गाइस उस एरिया में इतना जल जमा होने का एक कारण ये भी है कि जो इसके पीछे खजराना तालाब पड़ता है, खजराना तालाब का जो पानी है वो इधर आ जाता है, जिस कारण इतना जल जमा उस साइड था इसलिए हम इधर से गाड़ी बांधते जा रहे हो। तो गाइस फाइनली हमारी वाइफ को जो है पिकअप कर लिया हमने हमारे बेटे को भी और जा रहे हैं अब हमारे घर के लिए। तो गाइस फाइनली इतना लंबा सफ़र करने के बाद हम खजराना गणेश मंदिर के वहाँ पहुँच ही गएंगे और यहाँ से जल्दी से घर निकलते क्योंकि हल्की फुल्की पानी तो अभी भी गिर रहा है। शाम को सर ने बोला होटल पर ले जाकर खाना खिलाने का, चलेगी जो है घर आ गया, बारिश के कारण पूरे कपड़े घर में सुखाने को डालने पड़ते हैं, हमारे बेटू के भी कपड़े सूख रहे हैं। गाइस हमारी वाइफ जो है समोसा कचौरी निकाल रही है और गुस्से में भी है, और गाइस समोसा कचौरी तो हमारी वाइफ ने खाया नहीं क्योंकि ये नाराज हो गई थी और हमने ही खाया, और इसने नाराज़ हो जाती तो हम ब्लॉग नहीं बनाते क्योंकि हमारी बहुत ही मासूम सी वाइफ है, ये नाराज़ हो जाती है तो फिर आतंक मच जाता है। आतंक का दूसरा नाम हमारी वाइफ है, बहुत बड़ी आतंकवादी है गाइस, ये किसी की भी ज़िंदगी ऐसी कर देती है, ऐसी बिल्कुल बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है कि, तो इसलिए अभी से भूख लग रही है तो ये चिप्स विप्स खा रही है ना, क्यों भाई मेरी गुस्से वाली वाइफ गुस्सा आ गया क्या मेरी वाइफ को, देखा गाइस गुस्सा आ जाता है तो बहुत ख़तरनाक हो जाती है, ऐसे तो गीदड़ है गीदड़ लेकिन गुस्सा आ जाता है तो शेर बन जाती है शेर, क्यों वाइफ, और इसको तो गाइस इसको ये पिंपल हो रहे क्योंकि इनने एक्सपायरी वाला जो है फेस पैक लगा लिया था मुंह पर जो कि एक्सपायर हो गया था, उसका ये रिएक्शन हो गया है, अभी ये नाराज है हमसे बात नहीं करेगी ये, तो हम भी इससे बात नहीं करते, हमारा ब्लॉग बना लेते हैं। तो गाइस अभी हमारा बेतू आपको दिख रहा होगा तैयार होके जो है लेता हुआ है, बेतू तैयार होके कहा होटल में जा रहे हो क्या, अच्छा होटल में जाके क्या दूध पियोगे क्या तुम, अच्छा तो गाइस अभी हम होटल में पार्टी करने जाने वाले हैं इसलिए हमारा जो बेतू है तैयार होके लेता हुआ है। तो गाइस सर की तरफ से पार्टी है हमारे लिए तो हम तैयार होके जा रहे हैं, जीके जा रहे हैं हम विजयनगर वाले, तो हम तो तैयार हो गए लेकिन हमारी वाइफ अभी तैयार नहीं, उसे बहुत टाइम जो है तैयार हो गया है पूरी तरीके से, आप देख सकते हैं तू नहीं दिया ना ये पहना दो तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं, चल अच्छा लग रहा है ये सूट तो भी नहीं लग रहा गंदा, ठीक ही लग रहा है, चल बात नहीं चल फिर जल्दी चल। तो गाइस हम निकल रहे हैं, नहीं वो गंदा हो रहा है, ये घर से इसके सूट चेंज करेगी फिर जाएंगे हम लेट कर। तो गाइस हमारी जो ये वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो पंचर है इसलिए अब हम हमारी बाइक से जाएंगे और बाइक में भी हवा है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा, बेटू बाइक से जाना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली जो है जीके हम पहुंच गए हैं, विशाल हमें पिकअप करने आ गया है क्योंकि इनने ऑलरेडी पहले से जाकर टेबल जो है बुक कर दी थी, और ये हमारी वाइफ सरगस सरगस आ रही है पीछे पीछे और जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं हम, मेन्यू वगैरह तो नहीं लगा यहाँ पर जो है प्लेट्स लग जाती है तो प्लेट्स तो हम खा नहीं सकते, मेन्यू आ गया है तो मेन्यू में से दिया जाता है हमें सर के द्वारा कि देख लो क्या ऑर्डर करना है और हम उस मेन्यू को पास कर देते हैं विशाल के पास कि विशाल की चॉइस बेटर है, तो विशाल डिसाइड कर रहा है स्टार्टर और
हम भी बैठे हुए हैं स्टार्टर के लिए, डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर क्या खाया जाए और क्या नहीं खाया जाए। और ये हमारा बेटू है जो हमारी वाइफ के साथ टिक के बैठा हुआ है एक ही जगह पर। और अभी हमारा बेटू जो है सो रहा है गहरी नींद के अंदर, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये उठ गया तो फिर आतंक मचा देगा। और इसी के साथ हमने जो स्टार्टर ऑर्डर करा था जो है वेज कोलकाता रोल, वेज कोलकाता रोल आ गया था, फिर इसे मचका दिया हमने। और इसको खाने के बाद हमारे बेटू से जो है डिस्कशन चल रहा है, मैडम जो है हमारे बेटू से बात कर रही है और हमारा बेटू खाली घूर घूर के देखे जा रहा है। इतने हमारे स्वीट कॉर्न भी आ जाते हैं तो हम स्वीट कॉर्न को भी मचका देते हैं। और हमारा बेटू जो है सर के पास चला जाता है खेलने के लिए, तो हमारा बेटू जो है सर की गोद में खेल रहा है और मैडम उनको खिला रही है हमारे बेटू को। और हमारा बेटू मुस्कुराता है और थोड़ा शर्माता है इसी के साथ, क्योंकि हमारा बेटू बहुत ही शर्मिला किस्म का बेटू है। और बेटू के हाथ वात बिल्कुल मोजे से ढके हुए हैं, तो बेटू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल ढके हुए हैं, तो उसके मोजे जो है हम खुलवा देते हैं। और उसके बाद हमारे बेटू को भी भूख लग गई तो हमारे बेटू ने पी लिया दूध होटल के अंदर, जीके होटल में जाके हमारे बेटू ने दूध पी लिया। उसके बाद हमने ऑर्डर कर दिया पालक पनीर और एक जो है पंजाबी पनीर और बटर रोटी नान। और फिर खाना आ जाता है और खाने की शुरुआत की जाती है, लेकिन हमारा बेटू जो है खाते खाते हमको बहुत परेशान करता है। उसके बाद स्वीट्स में आ जाती है रसमलाई और आ जाते हैं गुलाब जामुन। हमारा बेटू थोड़ा सा जो है रसमलाई खा लेता है क्योंकि हमारे बेटू को दूध से बने आइटम अच्छे लगते हैं, और दूध से बने आइटम हमारे बेटू खाने के बाद हम मचका देते हैं गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन देख के हमारे मुँह में पानी आता है, इसलिए खड़ाखट गुलाब जामुन निपटा देते हैं हम। और फिर बिल आ जाता है तो बिल को पे करने का समय आ जाता है और सर और विशाल मिल के जो है बिल पे डिस्कशन करते हैं, चेक करते हैं सब कुछ सही है कि नहीं और पे कर देते हैं। और इसके साथ हम जीके होटल से बाहर निकल जाते हैं घर के लिए, क्योंकि पानी भी नहीं आ जाए उससे पहले हमें घर पहुंचना है, इसलिए खटाखट खटाखट हमारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और हम निकल जाते हैं। तो गाइस फाइनली अब हम घर आ गए और घर पे आके सेल्फी को तो नींद आ रही है। फाइनली घर और अब आज के ब्लॉग और यहाँ हो जाता है हमारा हल्का फुल्का छोटा मोटा फोटो शूट घर के अंदर ही मिरर के सामने। पहले भी हमने बहुत सारे ऐसा फोटो शूट करते थे जब लोग बनाते थे, तो अगेन पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए एक छोटा सा फोटो शूट कर लेते हैं हम और फिर हमारे बेटे के साथ खेल लेते हैं। तो गैस रात के समय टोई से मस्ती करता है, तो भाई टोई फिर हमारे पास आ जाता है मस्ती करने के लिए। मम्मा के साथ मस्ती करने के बाद फिर टोई को हम शक्तिमान बना देते हैं। शक्तिमान होटल से खाना खाने के आने के बाद मेरी वाइफ रात को 1:30 बजे खा रही है खाना और मैं भी खा रहा हूँ। ओ यस। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग करते हैं, मैं इस वहाँ आप मिलते हैं एक नए व्लॉग में। थैंक यू।